बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम अपने सबक का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ हमारे रब, हमारे इल्म में इजाफा फरमा। हम स्केरी अंकल साजिद चैप्टर टू कर रहे हैं, हम उसकी कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं। आपने कहानी पूरी पढ़ ली है, अगर आपको अभी भी उसके स्पेलिंग्स या समझ नहीं आए तो दोबारा उसको पढ़ें, अच्छी तरह याद करें। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है फहम, ताकि आपको कहानी पूरी समझ आ गई है। कॉम्प्रीहेंशन में आप मेक इन्फ्रेंसेस, आप सेल्फ मॉनिटर करते हैं, अपने आप को विजुलाइज करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, ड्रॉ कंक्लूजन्स, नतायज अक्स करते हैं, मेक कनेक्शंस, और जो पहले से आपने लर्निंग की होती है उसके साथ रब्ता बनाते हैं। हम कर रहे हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी वो नाउन्स किसी भी चीज़ के नाम को कहा जाता है जिनको काउंट किया जा सकता है उनको काउंटेबल कहते हैं, जो शुमार के काबिल हैं, और अनकाउंटेबल जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। मसलन काउंटेबल नाउन्स में जैसे ये थ्री एप्पल्स हैं, तीन सेब हैं, काबिले गिनती हैं, लेकिन थोड़ा सा पानी ये नाकाबिले शुमार है, इसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला हमें कुरान जीत में कहता है, अगर तुम शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों को तो ना गिन सको, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और मेहरबान है। अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है और अल्लाह की नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वालों को ज़्यादा अदा करता है। और दूसरी बात है कि हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखें जिनको आपसे कम नेमतें मिली हैं, क्योंकि हमेशा नीचे से देखने पे अपनी नेमतें ज़्यादा लगती हैं। और अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रब को जानें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुम उन दोनों को मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत। तो प्यारे बच्चों, आपको उर्दू पढ़ना आ गई है तो कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर अमल करें, हमेशा सच का रास्ता इख्तियार करें। काउंटेबल नाउन्स जो हैं वो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी, यानी वाहिद और जमा, लेकिन जो अनकाउंटेबल हैं उनको हम सिंगुलर और प्लूरल में तकसीम नहीं कर सकते। जैसे वन लेटर, टू लेटर्स, देयर इज़ अ लेटर ऑन द टेबल फॉर यू, ये सिंगुलर है, एक खत, और देयर आर लेटर्स ऑन द टेबल फॉर यू, तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म है। जब हम सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, वाहिद के साथ ए या एन का इस्तेमाल करें। इट इज़ रेनिंग सो आई नीड एन अम्ब्रेला, आप देखें कि एक अम्ब्रेला है तो उसमें हमने एन लगाया क्योंकि अम्ब्रेला वॉवल से शुरू हो रहा है। फिर आगे है आई मेड अ मिस्टेक, ये कॉन्सोनेंट है तो हमने ए लगाया, आई मेड अ मिस्टेक, जब आपसे गलती हो जाए तो सॉरी कर लें, माफ़ी मांग लें। दिस इज़ अ जॉब फॉर सुपरमैन, आ जॉब है तो ये भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रही है तो हमने ए लगाया इससे पहले। तो आप देखें कि एन अम्ब्रेला, अ मिस्टेक और अ जॉब, तो जब भी आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करें तो उसके साथ एन या ए का इस्तेमाल करें। यू कैन यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स अलोन, लेकिन काबले काउंटेबल नाउन्स का जब आप जमा का सीगा इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ कोई और चीज़ नहीं लगाएंगे, जैसे देर आर क्लाउड्स इन द स्काई टुडे, आज आसमान पर बादल हैं। एक और मिसाल है, देर आर बीज मेकिंग हनी, शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं, तो यहाँ पे भी हम प्लूरल जमा का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमने कुछ भी साथ नहीं लगाया। और वी ईट एप्पल्स फॉर ब्रेकफास्ट, जब एप्पल्स आएंगे जमा का सीगा है तो इसके साथ भी कुछ नहीं लगेगा, हम नाश्ते में सेब खाते हैं। तो इससे पता चला कि सिंगुलर नाउन्स में ए या एन का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर तो लफ्ज़ जो है वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो ए आएगा, देर इज़ अ सोफ़ा इन द लिविंग रूम, और अगर जो है वो वावल से शुरू हो रहा है तो एन आएगा, जैसे एन अम्ब्रेला,
और अगर एन आपको पता है कि अगर साइलेंट है और वॉवल की साउंड है तो तब भी हम एन लगाएंगे. व्हेन अ काउंटेबल नाउन इज सिंगुलर वी मस्ट यूज अ वर्ड लाइक अ, द, माई और दिस. काबिले शुमार नाउन जब वाहिद हो तो उसके साथ हमेशा अ, द, माई और दिस इस्तेमाल करते हैं. हम अगली मिसालों में देखते हैं. जैसे आई वॉन्ट एन ऑरेंज एक माल्टा, तो आई वॉन्ट ऑरेंज सही नहीं है. जब आप एन लिखेंगे तो फिर जुमला सही होगा. फिर है वेयर इज माई बॉटल, तो वेयर इज बॉटल की कोई हैसियत नहीं है, माई बॉटल लिखेंगे कि मेरी बोतल कहाँ है. इसी तरह वेयर इज माई बॉक्स, मेरा बॉक्स कहाँ पे है. या आई लिव इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता हूँ. तो हमने देखा कि काउंटेबल नाउन्स के साथ हमेशा अ, द, माई और दिस इस्तेमाल करते हैं. आई वॉन्ट ऑरेंजेस, जब प्लूरल फॉर्म हो तो कुछ भी नहीं लगाते. डोर्स आर क्लोज्ड, डोर्स हैं, काफ़ी सारे दरवाजे हैं, इनके साथ भी कुछ नहीं लगा. तो प्यारे बच्चों, अब हमारे क्वेश्चन है, राइट 5 काउंटेबल एंड 5 अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. अपने आसपास में से देखें, 5 काउंटेबल नाउन्स लिखें और 5 अनकाउंटेबल. अब आपकी सराउंडिंग है, आप एक क्लास में बैठे हैं, अब गौर से अपने क्लास रूम को देखें और देखें कि आपको कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो है वो हमें नज़र आ रही है एक टीचर. तो टीचर जो है, टीचर का एहतराम करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए. तो टीचर जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, एक ही टीचर है, देयर इज अ टीचर. फिर चिल्ड्रन है, देयर आर चिल्ड्रन. आप देखें कि बहुत सारे आपके अलावा भी बच्चे आपके साथ बैठे हैं, इनको आप काउंट कर सकते हैं. आपकी क्लास में 40, 50, 60, 70 कोई भी नंबर हो सकता है. फिर है फैन. आप देखें कि ऊपर एक फैन चल रहा है, तो फैन भी जो है वो काउंटेबल है, एक ही फैन है. फिर आप देखें कि डेस्क हैं, जितने बच्चे हैं, एक बच्चे, दो बच्चे एक एक डेस्क पे बैठे हैं, तो डेस्क को भी आप काउंट कर सकते हैं. और फिर हैं वॉल्स, एक कमरे की 4 वॉल्स हैं, तो ये भी काउंटेबल है. अब हम आते हैं कि आप इसी क्लासरूम में अगर बाहर नज़र दौड़ाएं तो वो कौन से नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल. तो बाहर बारिश हो रही है तो बारिश को भी आप काउंट नहीं कर सकते. और सबसे पहले कि हमें नज़र आ रहा है, तो लाइट इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, रोशनी. फिर रेन इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन. फिर एयर, जिसमें हम सांस लेते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है, इसको हम नहीं गिनती कर सकते. फिर हैप्पीनेस, हमें जब बारिश होती है तो खुशी होती है, हम स्कूल जाकर भी खुश होते हैं, हम अपना इखलाक और किरदार अच्छा बेहतर करते हैं, हम इल्म हासिल करते हैं, तो हैप्पीनेस. और फिर जहाँ पे हम इकट्ठे बहुत सारे लोग होते हैं, तो हमें एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, तो सफाई जो है वो भी एक अनकाउंटेबल नाउन है. तो हमने अपनी सराउंडिंग्स में ये नाउन्स बनाए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो आप देखें, 5 हमने काउंटेबल देखे और 5 अनकाउंटेबल. उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें.